हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ अपना फ्रिज टूर। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैंने अपने फ्रिज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो बस आगे में वीडियो लेकर के हमारे पास LG का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है। इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसकी खासियत है और ये कितने का आता है, अगर आपको ये सब जानना होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने जिस भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, मैंने उन सब का भी लिंक आपको नीचे दे दिया है। अगर आपको खुद के लिए खरीदना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारा LG का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। इसके ऊपर में प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है जो मैंने अब तक निकाली नहीं है। तो ये है वो फिल्म, ये फ्रिज को किसी भी तरीके के स्क्रैच से बचाती है। तो जब तक चले तब तक इसे मैं चलाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए पैनल दिया हुआ है LED का, जिसमें कि एक्सप्रेस फ्रिज का ऑप्शन है। साथ ही साथ ये फ्रिज जो है ये वाईफाई कंट्रोल्ड है, तो ऐप से भी आप इसके सारे फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है एक पट्टी सा, जिसकी मदद से ये फ्रिज खुलता है। मैंने इसके ऊपर में कुछ स्टिकर लगाए हैं और हमारी कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है, तो इससे आपके फ्रिज को एक पर्सनल टच आ जाता है और ये दिखने में प्यारा लगता है। तो मैंने यहाँ पे फोटोज लगाए हुए हैं कुछ। फ्रिज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके जितने भी शेल्व्स हैं उसके लिए मैंने ये वाला एक लगा रखा है एंटी स्किड मैट। तो ये ट्रांसपेरेंट मैट है तो फ्रिज के लुक को ख़राब भी नहीं करता है और साथ ही साथ में गंदगी से बचाता है, क्लीनिंग को आसान बनाता है। और क्योंकि ये एंटी स्किड है तो ये आप किसी भी चीज़ों को रखते हो या इसमें से स्लाइड करते हो तो आसानी हो जाती है और मेनली क्लीनिंग में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए इस तरीके से मैंने हर एक शेल्फ में ये वाली एंटी स्किड मैट लगा रखी है। यहाँ पे एक डेरी कॉर्नर दिया हुआ है इस फ्रिज में और साथ ही साथ में यहाँ पे जैसे नॉर्मली होता है वेजिटेबल्स रखने के लिए, उस तरीके से दो सेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, एक ऊपर की तरफ में एक नीचे की तरफ। तो ये रह गया हमारा पूरा फ्रिज सेक्शन। तो एक तरफ फ्रिज है और दूसरे तरफ में फ्रिज सेक्शन है। तो चलिए मैं आपको अब अंदर से दिखाती हूँ। सबसे टॉप शेल्फ में मैंने यहाँ पे अलग अलग साइज़ के और शेप के कंटेनर्स रखे हुए हैं जो एयर टाइट हैं। देखिए इसमें मैंने रखे हुए हैं कटे हुए वेजिटेबल्स, तो एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया तो अच्छे से हम जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी काफ़ी जगह बच जाती है। तो इस जगह पे मैं चाहूँ तो अलग अलग और भी शेप के जो कंटेनर्स हैं मेरे पास में, उन सबको स्टोर कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1.5 लीटर का एक ग्लास का बना हुआ ये कंटेनर है जिसमें कि मैं सब्जियाँ रखती हूँ या लेफ्ट ओवर हो गया या फिर कटी हुई सब्जियाँ हो गया। तो इस तरीके से आप लेते हो तो एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब रख दिया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादा हाइट ना बढ़ाए चीज़ों की, इतना ही रखें, वरना एयर फ्लो की दिक्कत होगी तो फ्रिज में फिर आपकी ठंडी भी नहीं होगी सब्ज़ियाँ या फिर जो भी आपने रखा है। तो एयर फ्लो रखिए मेनटेन। यहाँ पर मैंने देखिए एक और बड़ा सा लिया हुआ है प्लास्टिक का कंटेनर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें आप चाहें तो सब्ज़ियाँ भी काट के रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से रखती हूँ पैकेट जो मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिप ऑन लगा दिया और साथ में एक साथ स्टोर कर दिया। इसमें हैंडल है तो चीज़ें निकालने में भी आसानी हो जाती है और दिखता भी है कि अंदर क्या है। तो इस तरीके से ऊपर वाला शेल्फ को मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये नीचे वाले सेक्शन में मैंने रखे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ उसको रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, ये फ्रिज के साथ फ्री आया था, वरना ऐसे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो ब्रेकफास्ट में काम में आती हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, चीज़ हो गया, बटर है, पीनट बटर है, जैम है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं वो मैं इस ट्रे में रखती हूँ, तो निकालने में भी आसानी हो जाती है और एक नज़र में दिख भी जाता है, चाहे मैं बनाऊँ या मेरे हस्बैंड बनाए। और ये छोटे छोटे से जो कंटेनर है इसमें मैं रखती हूँ पील्ड गार्लिक और उसके साथ में यहाँ पर रखती हूँ मैं कटे हुए कोकोनट चटनी बनाने के लिए, या चटनी बन जाती है तो चटनी स्टोर करती हूँ, अगर आटा बच गया सुबह का नाश्ते का दोपहर में बनाने के लिए तो आटा स्टोर करती हूँ। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे साइज़ के हैं ये बहुत ही अच्छे रहते हैं और एक पे एक देखिए स्टैक भी हो जाते हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, मैं चाहूँ कुछ और भी रख सकती हूँ। इस छोटे से ग्लास जार में मैं कट करके लेमन ग्रास रखती हूँ, तो चाय बनाने के टाइम पे फिर आसानी से हमें मिल जाता है। इस बोरोसिल के कंटेनर में मैं मिल्क को रखती हूँ, बॉयल भी इसी में करती हूँ, स्टोर भी मैं इसी में करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग ट्रे रखा हुआ है जिसमें मैं एग को स्टोर करती हूँ, तो इससे एग को निकालना भी बहुत आसान है और रखना भी आसान है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस एग ट्रे की, ऊपर का सर्फेस पूरा ही प्लेन है जिसकी मदद से हम ऊपर चीज़ों को और भी स्टैक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बीच में अभी भी
स्पेस से हम चाहे तो कुछ और भी स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कुछ लेफ्ट ओवर रखना हो तो हम इस तरीके के कंटेनर में रखेंगे, तो पूरी तरीके से हमने स्पेस का यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर लिया। तो जो चाहे हम इसके ऊपर स्टैक कर सकते हैं, वही मैं आपको एक अलग अलग तरीके से दिखा रही हूँ। अगर और भी सामान रखना हो तो इसे कहीं और प्लेस कर दीजिए, और एक ट्रे के ऊपर में भी आप अगेन एक और रख सकते हो ग्लास का ऐसा कंटेनर। तो मतलब बेसिकली बहुत तरीके से यूज़ होता है। अब ये एक ट्रे है जो फ्रिज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसके अंदर में आप कुछ भी सामान रख सकते हो। ये अच्छी क्वालिटी का होता है, निकालने में आसानी हो जाती है, ये देखिए आप, और ये काफ़ी वजन भी ले लेता है। तो मैंने इसमें कई सारी चीज़ें रख रखी हैं। और अगेन सेम टाइप का एक और कंटेनर रखा है मैंने, जिसमें मैं टमाटो स्टोर करती हूँ। तो ये निकालने में आसानी है, रखने में भी आसानी है। अब और नीचे के सेक्शन में आते हैं, अगेन मैंने एक ट्रे रखा है। तो हर के लेफ्ट साइड में मैंने एक ट्रे रखा है और उसमें अलग अलग चीज़ें रखी हैं जो एक बार में काम में आए, निकालने में भी आसानी हो जाए, दिखती भी रहे हमें। बीच के सेक्शन में ऐसे ही कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखती हूँ डेट्स। फिर पीछे एक और रखा है, उसमें रखा है वॉलनट। तो अलग अलग तरीके से जब जो स्टोर करना हो वो रख सकते हैं। अब पीछे की साइड में, बिल्कुल पीछे के साइड में देखिए, मैंने इस तरीके का एक और कंटेनर रखा है। ये काफ़ी पतले साइज़ का होता है, जिसकी वजह से इसे स्टोर करना आसानी हो जाती है, और फिर भी आगे बहुत स्पेस बच गया है जहाँ पे अगेन हम कोई भी कॉम्बिनेशन में सामान रख सकते हैं, चाहे लेफ्ट ओवर हो या कुछ अलग से एडिशनली हमें रखना हो। तो उसके लिए मैंने बीच में यहाँ पे जगह रखी है। अब नीचे आ जाते हैं, तो नीचे तो सब्जियाँ ही रखती हूँ मैं भी, जैसे सभी लोग रखते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस वाले बैग का। तो इससे क्या होता है कि एयर पास होता रहता है, तो आपकी सब्जियाँ जो है वो फ्रेश रहती हैं। अब आ जाते हैं साइड के सेक्शन में, किस तरीके से मैंने डोर को ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं क्या क्या रखती हूँ। सबसे टॉप वाले में वैसे तो डेरी कॉर्नर है, पर मैं वहाँ पे डेरी रखना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं वहाँ पे नेल पेंट्स रखती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है, अगर आपको लगता हो आपके नेल पेंट जल्दी से ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें आप फ्रिज में स्टोर करिए, 1.5-2 साल तक आपके नेल पॉलिश जो है वो सूखेंगे नहीं। और यहाँ साइड में मैं माउथ फ्रेशनर रखती हूँ, उससे ज़्यादा मैं इस सेक्शन को और कुछ भी नहीं रखती, खाली ही रखती हूँ। अभी नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे मैंने देखिए तो 3 इस तरीके के कंटेनर्स रख रखे हैं, और उसके नीचे में अलग अलग सॉस रखा है मैंने और अलग अलग चीज़ें रखी हैं। तो इस कंटेनर में मैं रखती हूँ नींबू। तो वैसे तो ये लिड के साथ आता है, तो आप चाहो तो इसे इस तरीके से बंद कर सकते हो। ये जितने भी प्लास्टिक हैं ये BPA फ्री हैं और ये हेल्दी होते हैं, ख़राब क्वालिटी के बिल्कुल नहीं हैं। एयर टाइट लिड है इसमें, पर मैं बंद नहीं रखती हूँ, मैं नीचे लिड को प्लेस करके इसे ओपन रखती हूँ, क्योंकि दिन भर बहुत बार इस्तेमाल करना होता है, कभी अगर बंद करना हो तो लिड खो ना जाए, इसलिए लिड को मैं नीचे रखती हूँ। तो नींबू एक तरफ, मिर्ची वगैरह रखती हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे देखिए एक ट्रे का इस्तेमाल किया है और उसमें मैंने सॉसेस रखे हैं। ये जो सोया सॉस होता है इसका दाग लगता है फ्रिज में, तो यहाँ रखने से क्लीनिंग में आसानी होती है, निकालने में भी आसानी हो जाती है, और ये वेट भी ले लेता है। तो यहाँ पे मैंने सॉस वगैरह का सेक्शन बना रखा है। अब आते हैं सबसे नीचे की तरफ में, तो वहाँ पे मैंने पीछे के देखे 3 ग्लास के कंटेनर रखे हैं, राउंड शेप के। वैसे आप चाहे तो रेक्टेंगुलर रखो तो स्पेस का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल होगा, पर मेरे पास अभी राउंड है तो मैंने यूज़ कर लिया। और आगे मैं जूस वगैरह रखती हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने विवा का ये मिंट सॉस रखा है। तो इस तरीके से एक ही स्पेस में देखिए मैंने कम से कम यहाँ पे 7 चीज़ों को अच्छे से स्टैक कर लिया है। तो इसमें मैं रखती हूँ, जब सूजी रखना हो गया या फिर कुछ भी अलग से रखना हो जो पैकेट से निकाल दिया हो, उसमें मैं रख देती हूँ। ग्लास वाले हैं तो हमें दिख भी जाता है। अब चलिए आते हैं फ्रीज़र के सेक्शन में। सबसे ऊपर में मैं यहाँ पे मैंने आम रस को स्टोर करके रखा है, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है ताकि हम गर्मियों के बाद भी खाते रहे, तो वो रखा है। नीचे यहाँ पे अगेन मैंने ये पतली वाली रख ली है कंटेनर, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा होता है स्टोर करने में। तो कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा स्टोर करती हूँ मैं। यहाँ पे खाखरा रखा है पैकेट वाला, और नीचे आ जाता है पूरा मटन, मीट और चिकन ये सब का सेक्शन। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है अगेन से एक ऑर्गेनाइज़र बास्केट, जिसमें कि मैं कुछ चीज़ें रखती हूँ जो मुझे क्लिप ऑन के साथ रखनी है, अलग से डब्बे में नहीं रखना, और जो भी हमारे फ्रोज़न आइटम होते हैं वो सब रहते हैं। और नीचे यहाँ सेक्शन में मैं वो आइटम रखती हूँ जो मुझे रोज़ बरोज़ में नहीं यूज़ करना होता है, तो पैकेट के साथ में मैं रख देती हूँ। अब आ जाते हैं डोर की तरफ में फ्रीज़र का। तो मैंने छोटे छोटे ग्लास के यहाँ पे जार्स रख लिए हैं मसाले डाल करके, उसके ऊपर स्टिकर लगाया है। तो इस तरीके से आप स्टिकर लगा सकते हैं, इस तरीके के स्टिकर आपको अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं, उसे पतला पतला आप काट लीजिए और डब्बे के ढक्कन के ऊपर आप लगा लीजिए, और उसके बाद में इस तरीके से आप उसके ऊपर में लेबल कर सकते हैं कि ये कौन सा मसाला है। तो मैंने देखिए सबके लिड के ऊपर में लेबल कर दिया है ये कौन सा मसाला है, ताकि हमें दिखे आराम से। और अंदर की तरफ में मैंने हर जार के एक छोटा सा चम्मच डाल दिया है,
ताकि जब भी हमें निकालना हो कुछ भी सामान तो हमें चम्मच वगैरह ढूंढना ना पड़े, वो उसमें ऑलरेडी रहे। तो सब में चम्मच डाल दिया और इस तरीके से सामान डाल के लेबल कर दिया। और नीचे की तरफ में मैंने डाल दिया है कट करके उस पर्टिकुलर पैकेट का, ये कि कब जा करके ये चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो सबका एक्सपायरी डेट जो है वो मैंने कट करके नीचे पेस्ट कर दिया है। तो ये मैंने अंदर पेस्ट नहीं किया है, नीचे किया है, वरना अंदर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो नीचे प्लेस करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरीके से लेबल कर लीजिए और सबका एक्सपायरी डेट डाल लीजिए और आप इस तरीके से अपने फ्रीजर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने फ्रिज को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। हम दो लोग रहते हैं, दो लोगों में अभी मेरा काम तो आसानी से चल रहा है। कैसे लगे आपको ये आइडियाज़, क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास में कुछ और आइडियाज़ हैं जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए और स्पेस को और भी ज़्यादा अच्छे से मैं यूज़ कर पाऊँ, तो मुझे रिकमेंडेशन ज़रूर दीजिएगा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना होगा तो एक बार ही आप चेक कर लीजिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही लिंक दे दिए हैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस फ्यूचर में लाती रहूँगी। बस आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।